पुलिस गिरफ्त में खड़ा ये आर्मी वर्दीधारी कोई जवान नहीं बल्कि शराब तस्कर है। दो आर्मी की वर्दी पहनकर शराब तस्करी को अंजाम देता था। कुशीनगर में पुलिस ने दो शातिर तस्करों को भी गिरफ्तार किया है जो आर्मी की वर्दी पहनकर और महंगी गाड़ियों से शराब की तस्करी करते थे। पुलिस ने 21 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ इन दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एडिशनल SP ने बताया कि जब मुखबिर की सूचना पर गाड़ी की तलाशी ली गई तो कार से अवैध अंग्रेजी शराब मिली। पूछताछ में सामने आया है कि ये तस्कर इस शराब को हरियाणा से बिहार ले जा रहे थे। शराब की बिक्री, निष्कर्षण और परिवहन के संबंध में कार्रवाई हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कल शाम को रात्रि में चेकिंग की कार्रवाई पूरे जनपद में चल रही थी, जिसमें थानाध्यक्ष हनुमानगंज पनियावा पिकेट पर अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। उस दौरान टोयोटा फॉर्चूनर गाड़ी में दो व्यक्ति, जिसमें एक व्यक्ति जो चालक था वो आर्मी की ड्रेस में था तथा नेम प्लेट भी लगाया हुआ था, संदिग्ध अवस्था में पाए जाने पर उनकी चेकिंग की गई तो उनके टोयोटा फॉर्चूनर गाड़ी से 21 पेटी जो है हरियाणा निर्मित जो है अवैध शराब पाई गई, जिसे वो मोतिहारी बिहार सेल करने के लिए ले जा रहे थे। और इनके पास से आई कार्ड्स भी बरामद हुए हैं जो फर्जी है, आर्मी का बनाया हुआ, और चूंकि वर्दी में थे और उसको छद्म रूप में आर्मी की वर्दी में होते हुए जो है इस प्रकार का कृत्य किया गया है कि जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं आरोपियों के पास से आर्मी का फर्जी ID भी बरामद की गई है। पंजाब केसरी TV के लिए कुशीनगर से अनूप यादव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।